अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कुक विद एनी। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आपके साथ मैं इंतहाई ज़बरदस्त और इंतहाई आउट क्लास किस्म की जो है ना रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। इस रेसिपी का नाम है चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं बनाऊँगा और इंतहाई मज़े की बनती है, आप यकीनन इसको पसंद करेंगे। चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, ये जो मैं इंग्रेडिएंट्स बताने वाला हूँ ये आधा किलो चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए दरकार है। इसके लिए हमें चाहिए हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला का पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा का पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाहिए नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च। चार टमाटर लिए हैं और इनको दरमियान से हमने काट लिया है। इसके अलावा पाँच जो हैं वो सब्ज़ मिर्च लिए हैं साबित, आधा प्याला दही, एक प्याला ऑयल और दो टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला है और आंच को मैंने लो कर दिया है और अब इसमें मैं चिकन ऐड करूंगा। अब चिकन को मैंने फ्राई करना है ताकि इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। ये आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वाइट हो गया है हर तरफ से। अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगा, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब फिर अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कम से कम दो मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है और जो इसकी महक है वो सारी ख़त्म हो जाए चिकन की। जी अच्छे तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मिक्स हो गया चिकन में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसका छिलका जो है वो उतर जाए ऊपर से। आंच लो ही है और मैंने अब इस पर ढक्कन दे दिया ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको जो है ना वो धीमी आंच पे हम गलाएंगे। जी नाज़रीन तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और अब हम जो है ना ढक्कन हटाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें इनका जो है ना छिलका इजीली उतर जाएगा। अब ऐसे हमने सारे छिलके उतार देने हैं। अब आंच को हमने मीडियम कर लेना है और इनको पकाना है अच्छे तरीके से। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेना है। अब अच्छे तरीके से इसको पकाना है, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से पकाना है। इस हद तक पकाना है कि टमाटर अच्छे तरीके से चिकन के साथ जो है ना मिक्स हो जाए प्रॉपरली। जी ये देखें अच्छे तरीके से जो है ना वो टमाटर मिक्स हो गए हैं इस मसाले के साथ। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूसरे मसाले, सबसे पहले लाल मिर्च, उसके बाद कुटा हुआ खुश धनिया, उसके बाद कुटा हुआ गरम मसाला, उसके बाद कुटा हुआ ज़ीरा, काली मिर्च का पाउडर, उसके बाद सब्ज़ मिर्च। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उस वक़्त तक पकाना है कि जब तक जो है वो पूरे मसाले से जो है ना तेल वो अलहदा ना हो जाए। अब आँच आप तेज़ कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये देखें व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया बाकी सारे मसालों से। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे दही। दही आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फिर कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं और मज़ेदार चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें नाज़रीन मज़ेदार किस्म की चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई तैयार है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए आप जो है ना आंच हल्की करके धनिया डाल लें। उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करेंगे और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना नई वीडियोज़ बना सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।